आठवीं बोर्ड परीक्षा 2023 जिसका आपके पेपर 4 अप्रैल को होने वाला है। निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी अच्छी चल रही होगी, पुराने जितने भी मैंने पेपर अपलोड किए हैं मॉडल पेपर, वो आपने निश्चित रूप से सारे देखे होंगे, तो फायदा भी आपको निश्चित रूप से होगा जिन्होंने पूरे पूरे पेपर देखे। और ये आपका विज्ञान का पेपर है और आपके 80 नंबर का पेपर आएगा और काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। पुराने पेपर भी आप देख सकते हैं जितने मैंने अपलोड किए, उनकी प्ले लिस्ट बना रखी है आपके 8वीं क्लास के नाम से, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आइए इस पेपर को हम शुरू करते हैं और सभी प्रश्न इसके हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी ये है कि किस रेशे का निर्माण बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के उपयोग के बिना किया जाता है। तो इसमें से जो नाइलॉन है इसका उपयोग किसी प्राकृतिक रेशे का कच्चे माल का उपयोग करके नहीं किया जाता है, बाकी जो रेयन है और पॉलीवॉल है और पॉलीकॉट है, इन सभी का जो उपयोग है वो प्राकृतिक जो कच्चे माल होता है उसका उपयोग करके किया जाता है, बल्कि जो नाइलॉन होता है ये कृत्रिम रेशा होता है बिल्कुल ही। तो ये आपके प्रथम है जो संश्लेषित रेशे के रूप में भी इसको जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके नाइलॉन। वैसे जो रेयान है इसको, ये रेयान जो है आपके कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है, ये पॉलीवॉल ऊन से और पॉलिश से मिलकर बनता है और ये पॉलीकॉट ये कॉटन से मिलकर बनता है। दूसरा जो क्वेश्चन आपके हैं कि इसका उपयोग रेल इंजन को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। तो पहले पुराने जमाने में जितने भी जो ट्रेन वगैरह चलते थी तो उन सभी में जो भाप जो इंजन को चलाया जाता था रेल के इंजन को, उसको भाप बनाने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता था। कोयले से चलने वाली ट्रेन पहले चला करती थी, अभी तो वर्तमान में इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है वो चलने लग गई, तो अब जो कोयले है इसका उपयोग बिल्कुल धीरे धीरे कम हो गया है। अगला प्रश्न आपके है कि दाह्य पदार्थ के, ये दाह्य पदार्थ मतलब ये होता है कि जलने वाले पदार्थ, इसमें से कौन सा पदार्थ जलने वाले हैं, जलना, तो लकड़ी जो होती है उसको हम जला सकते हैं, ये दाह्य पदार्थ है। बाकी पत्थर का टुकड़े हम नहीं जला सकते हैं, लोहे की कील को और कांच को हम नहीं जला सकते हैं, तो दाह्य पदार्थ का मतलब होता है जलने वाले पदार्थ, आपके हो जाएगा इसमें लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे 6 तक के जो क्वेश्चन है 4 से 6 तक वो आपको ट्रू फॉल्स बताने, सत्य असत्य बताने, तो TF लिखना आपको इसमें। चौथा क्वेश्चन है आपके कि अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, ये गलत है, अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक नहीं होता, ये असत्य है, तो इसमें आपने F लिखा। दूसरा है आपके अंडाणु और अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु, जो वाई गुणसूत्र होता है उससे शुक्राणु गुणसूत्र वाई होने पर जो शिशु होगा वो लड़का होगा, तो ये बिल्कुल सही है। जब मादा से एक्स गुणसूत्र और जो नर से वाई गुणसूत्र संलेष होता है तो एक्स वाई जो होता है वो जो शिशु उत्पन्न होता है वो लड़का होता है, और दोनों से एक्स एक्स होता है तो वो लड़की होती है। छठा क्वेश्चन है, कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, कुछ वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो उसमें से जो आपको गर्माहट है जो महसूस होगी, तो जैसे आपने जो आपने देखा होगा आपने पेन अपने सिर में घुमा के कागज़ के टुकड़े के पास में लगे होंगे तो कागज़ के टुकड़े पेन के चिपक जाते हैं, या स्केल को आपने अपने सिर में घुमा के ले गए होंगे कागज टुकड़े के पास में कागज़ के, तो कागज़ के टुकड़े चिपक जाते हैं, तो ये एक दूसरे को हम रगड़ के वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके 7वां प्रश्न है कि बंद कमरे में कोयला जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्यों? तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि कई व्यक्ति क्या करते हैं कि बंद कमरे में कोयले की अंगीठी वगैरह जला के पुराने व्यक्ति जो होते हैं वो सो जाते हैं और फिर उनकी उस कमरे के अंदर मृत्यु भी हो जाती है, उसका कारण क्या है? तो कोयला जो होता है वो जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है वो CO होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो CO2 होती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस होती है जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो ये बहुत ही खतरनाक जहरीली गैस होने के कारण जो कमरा के अंदर जो दूसरी गैस नहीं जा पाती है उसके कारण जो व्यक्ति की उसके कमरे के अंदर मृत्यु हो जाती है। एक आपने ये भी सुना होगा कि रात के समय जो पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, उसका कारण क्या है कि रात के समय जो पेड़ पौधे, दिन में तो पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जित करते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, लेकिन रात के समय प्रकाश नहीं होता तो उसके कारण उल्टी स्थिति हो जाती है। रात के समय ऑक्सीजन छोड़ने की जगह पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, तो खतरनाक हो सकता है ये, रात के समय पेड़ पौधों के नीचे पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। फिर आपके 8वां क्वेश्चन है, क्लोनिंग किसे कहते हैं? देखो क्लोनिंग क्या होती है कि किसी भी रूप जो कोशिका होती है या फिर पूरे जीवित जो कोशिका होती है उसको कृत्रिम रूप से उत्पन्न करना, पूरे जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसको क्लोनिंग कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा डोली बेड का, जो कि विश्व का पहला क्लोन था जिसको इयान विल्मुट ने बनाया था, तो ये आप याद रख सकते हैं, इसका आपको परीक्षा में आ सकता है प्रश्न, विश्व का पहला क्लोन कौन था, तो इसमें आपके डोली बेड का नाम आप इसमें लिख सकते हैं, ये जो बनाया गया था वो इयान विल्मुट के द्वारा बनाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि रजो निवृत्ति क्या है। तो महिलाओं में ऋतुस्राव की जो रुक जाने की प्रवृत्ति है इसको रजो निवृत्ति के रूप में जाना जाता है। यह जो स्थिति है वो महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की उम्र के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भूकंप मापने का जो स्केल होता है उसका नाम बताना है। तो रिक्टर स्केल पर जो भूकंप मापा जाता है, इसके अलावा एक और यंत्र होता है जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ के द्वारा भी ये जो भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ आप दोनों याद कर सकते हैं, और आपको विशेष तौर पे नाम याद कर लेना है रिक्टर स्केल का। एक होती है पीएच स्केल। पीएच स्केल से किसी भी वस्तु की अम्लता और क्षारीयता का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शुद्र ग्रह क्या है। तो आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि शुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो शुद्र ग्रह क्या होता है कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो कक्षा होती है, इन दोनों की कक्षा के बीच में जो छोटे छोटे आकार के जो चट्टानें होती हैं, धातुओं के पिंड होती हैं, इन्हीं को हम ये शुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, शुद्र ग्रह में एक जो छोटे छोटे चट्टानें होती हैं उन सभी को जो धातुओं की या फिर जो पत्थर के जो होते हैं, इनका आपका जो छोटे छोटे भाग होते हैं, इनको शुद्र ग्रह के रूप में जाना जाता है। ये सभी जो पाए जाते हैं वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि शुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। और यम जो है आपके बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है। शुद्र ग्रह अलग है और बौना ग्रह अलग होता है। फिर आपके 12वां क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले हम एक और देख लेते हैं, ये मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, इसको अंग्रेजी में रेड स्टार कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को आप विशेष तौर पर याद रखें। इसके अलावा एक और ग्रह है जिसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के रूप में जाना जाता है, और पृथ्वी की उसको जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। आप कमेंट करके बताने कि मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के रूप में कौन से ग्रह को जाना जाता है। 12वां क्वेश्चन है, खाद्य विषाक्तन क्या सही, इससे क्या दुष्प्रभाव है। खाद्य विषाक्तन का मतलब जैसे जो भोजन बासी हो जाते हैं उससे संबंधित जो क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। तो खाद्य विषाक्तन क्या होता है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके द्वारा संदूषित भोजन का सेवन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है, यानी कि जो फूड पॉइजनिंग वाली स्थिति वो वाली स्थिति हो जाती है। हमारे भोजन में उत्पन्न जो सूक्ष्म जीव है कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और यह भोजन विषाक्त बना देते हैं। वो जो भोजन है जो विषाक्त हो जाता है, जिसके सेवन करने से व्यक्ति की भयंकर रूप से रोगी हो सकता है और इसके कारण जो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और हमेशा हमें स्वस्थ और ताज़ा भोजन ही उपयोग में लाना चाहिए। ये फूड पॉइजनिंग का जो बहुत ही जो खतरनाक काम होता है, कई बार जो बड़ी बड़ी जो जैसे महाबोध वगैरह होते हैं इनमें ये कार्य हो जाता है और फूड पॉइजनिंग की शिकार जो कई बच्चे और व्यक्ति हो जाते हैं। फिर आपके 13वां क्वेश्चन है, प्लास्टिक की आपको चार विशेषता बतानी। आपने देखा होगा दुनिया में लगभग सभी जगह पर जो आपको प्लास्टिक का उपयोग जो हर जगह देखने को मिल जाता है, और प्लास्टिक का जो सबसे उपयोगी होने के चार कारण आपको बताने हैं। तो प्लास्टिक आसानी से एक तो सांचे में डाल सकते हैं, उसकी कोई सी भी आकृति हम बना सकते हैं। दूसरा ये है कि प्लास्टिक को पुनर्चक्रण संभव है। प्लास्टिक को पुनर्चक्रण के द्वारा जो वापस से जो एक वस्तु खराब हो जाती है तो उसको पुनर्चक्रण करके दूसरी वस्तु वापस बनाई जा सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा, आपने आसपास में जो बिस्लेरी वगैरह जो पानी की बोतलें होती हैं, प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, इन सभी को जो वापस इकट्ठा किया जाता है, इनको पुनर्चक्रण करके वापस जो काम में लाया जाता है। और प्लास्टिक को रंग भी सकते हैं, इनको पिघला भी सकते हैं, और प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। ये आपको विशेष तौर पे अलग से याद कर लेना कि प्लास्टिक जो होती है वो विद्युत का कुचालक होती है। फिर आपको समूह में मिलान करना है सुचालक। सुचालक का मतलब ये होता है कि जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे तांबे की जो तार होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, उसमें करंट आता है। लेकिन जो वायु होती है उसमें विद्युत सुचालक नहीं होती, विद्युत कुचालक होती है। वायु में से जो करंट है वो प्रवाहित नहीं होता है। क्षारक का जो विलयन है वो विद्युत चालन का जो द्रव होता है वो करता है। और विद्युत लेपन में किया जाता है टीन, विद्युत लेपन टीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य बताना है। देखो पहला है आपके 15वें का, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं वो भूमंडल कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर सजीव पाए जाते हैं वो भूमंडल नहीं, उसको जैव मंडल के रूप में जाना जाता है। ये गलत है। भारतीय विशाल गैलरी का नाम विसन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय विशाल गैलरी का नाम क्या है, विसन है। ये विसन नाम आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है, आपके आ सकता है। सतपुड़ा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। ये भारत का प्रथम आरक्षित वन है सतपुड़ा, इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। नेक्स्ट है, एक टन कागज प्राप्त करने के लिए हमें लगभग 200 वृक्षों को काटना पड़ता है। ये गलत है, 200 वृक्षों को नहीं काटना पड़ता है। आप कमेंट करके बताना कि एक टन
कागज प्राप्त करने के लिए कितने वृक्षों को काटना पड़ता है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। अपने जो विज्ञान वाली की जो किताब है उसमें अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा। ये तो 200 वृक्ष तो गलत है, इनकी सही संख्या आप कमेंट करके बताना। देखिए फिर आपको 16वें प्रश्न में आपको इनका तुलना करनी है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका की, कोशिका भित्ति, केंद्रक कोशिका द्रव्य और रिक्तिका, इन चारों के आधार पर आपको इनमें मिलान करना है, क्या क्या इनकी तुलना हो सकती है। देखो एक तरफ तुलना करने के लिए हम कोशिका का भाग लिख लेंगे, फिर पादप कोशिका और जंतु कोशिका लिख लेंगे। सबसे पहला भाग है आपकी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये पादप कोशिका में होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। केंद्रक कोशिका भित्ति में होता है, ये पादप कोशिका में होता है, जबकि ये मतलब कोशिका भित्ति के पास में होता है, जबकि इसमें जो होता है जंतु कोशिका में वो बीचों बीच में होता है। कोशिका द्रव्य ये उपस्थित होता है, और इसमें भी जंतु कोशिका में भी ये उपस्थित होता है। रिक्तिकाएँ जो होती हैं वो पादप कोशिका में बड़ी होती हैं, स्पष्ट होती है, उपस्थित होती हैं, लेकिन जो पादप कोशिका जंतु कोशिका होती है उसमें रिक्तिका या तो बहुत छोटी होगी या फिर जो बिल्कुल ही अनुपस्थित होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, दो चुंबकों के मध्य किस प्रकार का बल कार्य करता है आपको समझाना है। देखो दो चुंबक जो होती हैं, जैसे इनके जो ध्रुव होते हैं, एक के ऊपर एन लिखा होता है, एक के ऊपर एस लिखा होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। मान लो ये वाली जो चुंबक है इसमें भी आपके एन और एस लिखा है, ये एन और एस अलग अलग आपके ध्रुव हैं, तो इनमें तो होगा आकर्षण, और दोनों अगर आपके एक ही तरह के जो ध्रुव होंगे, इधर भी आपके एन होगा और इधर भी आपके एन होगा, तो इनमें होगा प्रतिकर्षण, ठीक है, या फिर दोनों एस एस होंगे तो भी आपके होगा इसमें प्रतिकर्षण, यानी कि समान ध्रुव होने पर प्रतिकर्षण होता है और विपरीत ध्रुव होने पर इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। इसको आपको अच्छी प्रकार से और समझा देते हैं। तो ये है कि हम जानते हैं कि दो चुंबकों में समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह भी सामान्य बल खींचने और धक्का देने के अनुरूप ही है, किंतु यह बल बिना संपर्क में आए कार्य कर सकता है, इसमें मतलब संपर्क में आने की जरूरत नहीं होती है, अतः ये एक प्रकार का असंपर्क बल है। आपसे पूछ सकते हैं कि असंपर्क बल का उदाहरण दीजिए, तो आप चुंबकीय बल का उदाहरण दे सकते हैं। इसी प्रकार से लोहे और चुंबक के मध्य कार्यरत बल भी असंपर्क बल ही होता है, तो ये भी आपके असंपर्क बल का ही उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन आपके 18वां क्वेश्चन है कि मशीनों में स्नेहक का प्रयोग क्यों किया जाता है। स्नेहक क्या होता है, स्नेहक आप स्नेहक के रूप में ग्रीस है, ऑयल है, तेल है, इन सभी का उपयोग किया जाता है, तो इन सभी को हम देख लेते हैं कि स्नेहक का ये प्रयोग क्यों किया जाता है। देखो स्नेहक दो सतहों के बीच में एक पतली परत के रूप में कार्य फैल जाता है और यह गति सतह और स्नेहक की परत के मध्य में होती है, जिससे शुष्क घर्षण आर्द्र घर्षण में बदल जाता है, क्योंकि जो आर्द्र घर्षण की तुलना जो आर्द्र घर्षण है वो शुष्क घर्षण की तुलना में कम होता है, अतः मशीनों के विभिन्न भागों के मध्य घर्षण को कम करने के लिए इस स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। तो स्नेहक का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो घर्षण को कम करने के लिए इस स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। पहिए जो होते हैं पहिए भी घर्षण को कम कर देते हैं। 19वां प्रश्न आपके, शोर प्रदूषण को सीमित रखने के आपको चार उपाय बताने कि शोर प्रदूषण को आप सीमित कैसे रख सकते हैं, चार उपाय लिखिए। शोर प्रदूषण का मतलब ये होता है कि तेज आवाज के कारण जो प्रदूषण फैलता है उनको कम कैसे किया जा सकता है। तो तेज आवाज किन किन से आती है, आपने देखा होगा डीजे वगैरह है, ये ट्रेन वगैरह है, इन सभी से जो, या फिर बड़े जो हॉर्न होते हैं इन सभी से जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनसे प्रदूषण फैलता है। तो पहला तो ये है कि इनको कम करने के लिए रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर आदि की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। जितने भी ये साउंड वाले उपकरण होते हैं इनकी ध्वनि बिल्कुल कम रखनी चाहिए। देखा होगा आपने आजकल जो डीजे चलते हैं तो डीजे की जो ध्वनि इतनी होती है कि वहाँ पर जो पास में खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, उसके कारण जो कई सारी नुकसान भी हमारे को उठाना पड़ता है, हार्ट अटैक वगैरह है, कान की जो बीमारियां हैं वो सभी आपके जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। दूसरा ये है कि सड़कों पर घरों के आसपास में पेड़ लगाने चाहिए, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ध्वनि प्रदूषण कम फैलेगा। तीसरा प्रश्न ये है कि घरेलू उपकरण और इसमें स्वसामक युक्तियाँ साइलेंसर का उपयोग किया जाना चाहिए। जो वाहन जो होते हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर इन सभी में साइलेंसर लगाया जाता है ताकि जो उसकी ध्वनि को कम किया जा सके, लेकिन आजकल कई से जो असामाजिक तत्व ऐसे भी होते हैं जो उसी साइलेंसर का जो हटा करके उसकी जो आवाज़ से पूरे जो शहर में शोर प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके स्वचालित वाहन के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर ये जो हॉर्न बजाना चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिना बात के हॉर्न बजाते रहते हैं, तो उनसे भी ये जो ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा
फैलता है। तो ये चार प्रमुख जो उपाय हैं जिनकी सहायता से ध्वनि प्रदूषण को या फिर शोर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके 20वां देखते हैं। 20वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, प्रत्येक को समझाने, यानी कि आपको ये बताने हैं कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसको आप कितनी भागों में बांट सकते हैं, प्रत्येक को आपको वर्णन करना है संसाधन का। तो प्रकृति में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से जो संसाधन पाए जाते हैं, उन सभी संसाधन को हम दो भागों में, दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो असमाप्त होने वाले, जो कभी समाप्त नहीं होने वाले, इनको हम कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। एक होते हैं जो समाप्त होने वाले होते हैं, उनको समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के रूप में बांट सकते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? तो वे संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, खूब मात्रा उनकी होती है, मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। मानव इनका कितना भी उपयोग कर ले उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, आप चाहे कितना ही सूर्य का प्रकाश ले लो, वो है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वायु है, तो वायु भी एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन का ही उदाहरण है। ये दोनों नाम आपको याद कर लेना है। एक तो आपकी सौर ऊर्जा, ये सूर्य का प्रकाश को ही तो कहते हैं सौर ऊर्जा, और एक आपके वायु, दोनों ही आपके अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। फिर आपके आते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन होते हैं जिनका मानव ज़्यादा उपयोग करेगा तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा, और प्रकृति में इन स्रोतों की जो मात्रा है वो बिल्कुल सीमित है, कुछ ही समय बाद वो समाप्त भी हो सकते हैं, और मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा ये समाप्त होना संभावित है। और ऐसे संसाधन के उदाहरण में आप एक तो वन ले सकते हैं, वन्य जीव हैं, खनिज हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी आपके समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके उदाहरण याद करने, एक तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण में सौर ऊर्जा और वायु लेंगे, और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में वन है, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये नाम आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां क्वेश्चन है कि तारों के बीच में की दूरियां होने को प्रकाश वर्ष में क्यों दर्शाया जाता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है, कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है तो इसका क्या मतलब आपको बताना है। कोई तारा है जो अपना है वो पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है तो उसका आपको क्या मतलब है वो बताना है। देखो तारों के बीच की जो दूरियां वो बहुत ज़्यादा होने के कारण, यहाँ से पृथ्वी से एक सूर्य के बीच में भी कितनी ज़्यादा दूरियां हैं, ये दूरियां मिलियन में और बिलियन में किलोमीटर में हो सकती हैं, तो इन सभी को दूरियों को किलोमीटर में व्यक्त करना कठिन है, यानी कि जो भी है वो किलोमीटर में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए एक बहुत बड़ा मात्रक जो होता है, जो दूरी का ही मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष। आपसे पूछ सकते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का बड़ा मात्रक होता है जो दो तारों के बीच की जो दूरियों मापने में काम में लिया जाता है। और प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा मात्रक, बहुत ज़्यादा दूरी जो होती है उसको प्रकाश वर्ष में तय करेंगे, मापेंगे। जैसे मान लो आपको जितनी दूरी ज़्यादा तय होगी उसका मात्रक उतना ही बड़ा काम में लेते हैं। मान लो आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है तो उसको आप सेंटीमीटर में मापेंगे, आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी मापनी है तो आप जो किलोमीटर में मापेंगे, आपकी ड्रेस बनाने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है तो उसको हम मीटर में मापते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम जो भी अपने ड्रेस बनाने की कपड़ा जो होता है उसको हम किलोमीटर में मापेंगे कि मेरे जो कपड़ा बनाना चाहिए, एक ड्रेस बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, तो आप कहेंगे मुझे 2 किलोमीटर लंबा कपड़ा चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता इसमें। तो जितनी लंबी दूरियां होती उतने बड़ा ही जिसमें मात्रा काम में लिया जाता है, छोटी दूरी है तो छोटा मात्रक, बड़ी दूरी है तो बड़ा मात्रक काम में लिया जाता है। कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो प्रकाश का वेग, अपने वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से 8 वर्ष में उस तारे तक पहुंचेगा, यानी कि 8 प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है कि आज अगर कोई जो प्रकाश है जिस तारे से निकला है तो वह पृथ्वी तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, 8 साल लगेंगे उसको, इतने दूर है पृथ्वी और तारे के बीच में दूरियां। तो इनको, जबकि पृथ्वी जो प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो पृथ्वी को यहाँ तक पहुँचने में, पृथ्वी के यहाँ तक प्रकाश को पहुँचने में 8 वर्ष लगेंगे, इतनी लंबी दूरी को हम प्रकाश वर्ष के रूप में मापते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज मान लो कोई ये जो प्रकाश ये अपने ये तारे से निकला है तो वो पृथ्वी तक पहुंचने में उसको 8 साल लगेंगे, 8 साल के बाद में उसका जो प्रकाश है वो अपने पृथ्वी तक पहुंचेगा। यानी कि आज जो हम पृथ्वी के ऊपर प्रकाश देखते हैं तारों का, वो 8 साल पहले ही वहाँ से निकल चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रकाश वर्ष में समझना है। अगला क्वेश्चन आपके 22वां है, ये कि फसलों को कितने भागों में बांटा गया है और फसल को बीज चयन किस प्रकार किया जाता है, समझाना है।
उर्वरक क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनसे क्या क्या लाभ हानि है, वो आपको समझानी है। दोनों समझाएंगे अथवा में से कोई सभी आपके आ सकता है। देखो फसलों को सामान्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं अपन, तो ये एक तो खरीफ की फसल होती है और एक रबी की फसल होती है। वैसे एक जायद की फसल भी होती है, लेकिन खरीफ की फसल और रबी की फसल दोनों जो महत्वपूर्ण है। खरीफ की फसल जो होती है वो बारिश की ऋतु में बोई जाती है, वर्षा ऋतु में उसको बोया जाता है, और यह जून से सितंबर के बीच में होती है। जून से इसकी बोई शुरू हो जाती है, जून जुलाई में, और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। इनमें कौन कौन सी फसल आती है, एक तो धान आते हैं और मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है। ये धान का मतलब चावल होता है, ये चावल है ना, इसको बारिश की ऋतु में ही बोया जाता है। यानी कि जिन फसलों को हम खोदते हैं, खरीफ से आपको याद करना खोदना, जिनको हम खोदते हैं, निराई गुड़ाई की जाती है, तो उनको है जो खरीफ की फसल के रूप में जाना जाता है। जैसे आपने देखा होगा मक्का की जो फसल होती है उसको खोदा जाता है, सोयाबीन है, धान चावल है, और मूंगफली कपास, ये सभी आपके खरीफ की फसल के रूप में जानी जाती हैं। रबी की फसल क्या होती है, ये जो शीत ऋतु में तैयार होती हैं, यानी कि सर्दी के टाइम पे ये ऋतु फसलें होती हैं, जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों, अलसी, जितनी भी ये दालें होती हैं अलसी के साथ में इनके, ये सभी रबी की फसलों के उदाहरण हैं। तो खरीफ की फसलों के आपके उदाहरण याद होने चाहिए, रबी की फसलों के आपको उदाहरण याद होने चाहिए, ये आपके पूछे जाएंगे। फसल के बीजों का चयन कैसे होता है, तो बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का चयन करना ज़रूरी है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को, अच्छी किस्म के साफ और स्वस्थ बीज होते हैं, और अच्छे बीज से फसल की मात्रा में भी वृद्धि होती है, और फसल की गुणात्मक दृष्टि से भी अच्छी होती है। यानी कि बीज अगर अच्छे होंगे तो फसल का उत्पादन भी अच्छा ही होगा। अच्छे बीजों को पानी में डालने पर वे पानी में बैठ जाते हैं, और पानी पर तैरने वाले जो बीज होते हैं वो खोखले होते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं, वो जो फसल का उत्पादन अच्छे प्रकार से नहीं कर सकते। तो बीज को बोने से पहले अच्छे बीज और ख़राब बीज के बारे में आपको जानकारी हो जानी चाहिए। फिर अगला प्रश्न ये है कि उर्वरक क्या है, तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं। आपके परीक्षा में ये भी आ सकता है कि उर्वरक और खाद में अंतर बताइए, तो उर्वरक और खाद के बीच में आपको अंतर याद होना चाहिए। उर्वरक जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जबकि खाद जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रियों में बनते हैं। उर्वरक सामान्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, ये प्रमुख उर्वरक हैं। एक तो यूरिया, आपने देखा होगा यूरिया एक उर्वरक के रूप में जाना जाता है। अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके, जिसको हम एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आपने देखा होगा जो यूरिया खाद का कट्टा होता है, थैला होता है, उसके ऊपर लिखा होता है 46% N2 या नाइट्रोजन। यानी कि यूरिया खाद का जो कट्टा होता है उसमें 46% नाइट्रोजन होती है, जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वो वर्षा के साथ में जल के मतलब गुल के जो फसल को जो ज़्यादा उसमें उपयोग मतलब फ़ायदा पहुँचाती है। तो एक बार अगर हम खाद देंगे, ये उर्वरक देंगे फसल को, और एक बार बारिश हो जाए तो सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो बारिश वाले पानी से होगा, खाद वाले से फायदा बिल्कुल मतलब बारिश की तुलना में कम होगा। तो ये इसके प्रमुख उदाहरण है, इनको आप देख लेना है। लाभ क्या क्या है, तो उर्वरक के उपयोग से गेहूँ, धान और मक्का जैसी जो फसलें होती हैं इनको अच्छी उपज इनसे प्राप्त हो सकती हैं। और इनके हानियाँ कौन कौन सी हैं, तो उर्वरक का ज़्यादा उपयोग करने से मतलब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, खाद होते हैं, रासायनिक खाद, इनका उपयोग ज़्यादा करने से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। इसके अलावा ये जल प्रदूषण भी करता है, मिट्टी में इसको ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, तो ये प्रमुख इसके हानियाँ भी हैं। ये जो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप अच्छी प्रकार से देख लेना। एक पदार्थ दे रखा है, धातुओं के नाम दे रखे एक तरफ पदार्थों के, और एक तरफ इनके उपयोग बताने। तो देखो गोल्ड जो होता है इसको हम सोना कहते हैं, गोल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, सोना कहते हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह है रसायन की भाषा में वो AU होता है, ये सोना का AU से लिखते हैं। तो इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आयरन का मतलब होता है लोहा, लोहे का उपयोग जितने भी मशीनें होती हैं, कल कारखाने होते हैं, इन सभी में लोहे का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम का उपयोग तार बनाने में किया जाता है या खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। कार्बन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, और कॉपर का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। मरकरी का उपयोग थर्मामीटर जो तापमापी होता है उसमें मरकरी का उपयोग किया जाता है, और ये मरकरी को हिंदी में कहा जाता है पारा, और इसको लिखते हैं हम HG से। ये एकमात्र ऐसी धातु हैं जो धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, और इसको हम पारे के रूप में, इसको थर्मामीटर में उपयोग लिया जाता है। अच्छा, स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान है,
स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान है शरीर का वो कितना होता है, सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है आप कमेंट करके बताना, शरीर का तापमान आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि धातु और अधातु किसे कहते हैं, क्या धातु और धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, समझाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ये धातु और अधातु वाला, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा इसको। देखो धातु वे पदार्थ होते हैं जो कठोर होते हैं, आपने देखा होगा धातु कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघात वर्धनी होते हैं यानी कि इनको पीटने पर चद्दर के रूप में फैल जाते हैं, तन्य होते हैं इनसे तार बनाया जा सकता है, ध्वनिक होते हैं यानी कि इनको एक दूसरे को टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, ऊष्मा और विद्युत के ये सूचालक होते हैं, ये सभी जो गुण जिनमें पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। लेकिन इनके जो अपवाद है वो भी आपको याद करना है, जैसे कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जो देखने में जो कठोर होती हैं लेकिन वो धातु नहीं है, जैसे हीरा है, हीरा कठोर होता है लेकिन वो धातु नहीं होता है, ऐसे कई सारे जो पदार्थ ऐसे हैं जो धातु नहीं होते हुए भी कुछ गुण उनके रखते हैं। अधातु के रूप में वे पदार्थ जो दिखने में मलिन होते हैं मतलब चमकीले नहीं होते हैं, नरम होते हैं, हथौड़े से हल्की चोट से वो टूट कर चूरा हो जाते हैं, द्वानिक नहीं होते हैं, उष्मा और विद्युत के कुछ अलग होते हैं, ये जो गुण दे रखे हैं इनके विपरीत गुण जिनमें पाए जाते हैं वो अधातु होते हैं। लेकिन कुछ अधातु ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ धातु ऐसे अधातु ऐसे भी हैं जो विद्युत के सूचालक होते हैं, जैसे ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है और वो अधातु होते हुए भी विद्युत का सूचालक होता है। जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो लीड होती है वो आपके ग्रेफाइट ही होती है, वो विद्युत की सूचालक होती है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। फिर धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया बतानी, तो कुछ धातु जैसे सोडियम है पोटेशियम है वो जल के साथ बहुत ज़्यादा अभिक्रिया कर लेते हैं, जल्दी से अभिक्रिया कर लेते हैं तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, किंतु अधिकतर जो धातु होते हैं वो जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। आयरन जल के साथ जो धीमी अभिक्रिया करते हैं जिससे कि उसके ऊपर जंग लग जाता है, आपने देखा होगा लोहे के ऊपर जो जंग लग जाता है, इस जंग को बचाने के लिए उसके ऊपर यसद लेपन किया जाता है। यसद लेपन क्या होता है, उसके ऊपर टीन या जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं और ये इसको जंग से बचने का कार्य करता है। तो ये प्रमुख है जो धातुओं से संबंधित हैं। अधातु का भी देख लेते हैं, अधातु का जल की अभिक्रिया, तो सामान्य अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए कुछ अधातु वायु में सक्रिय हो जाती हैं और उनको जल में रखा जाता है। ऐसे फास्फोरस से जो काफ़ी सक्रिय धातु होता है, अधातु होता है जिसको हम पानी में रखते हैं, यानी कि सोडियम और पोटेशियम को तो रखा जाता है आपके मिट्टी के तेल में और फास्फोरस जो होता है वो उसको रखा जाता है पानी में, क्योंकि फास्फोरस है जो वायु में जो जल्दी से अभिक्रिया कर लेता है, ये अधातु होते भी वायु से अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है 2400 प्रश्न है, प्रत्येक के लिए एक प्रकाश की किरण समांतर किरण पुंज में से टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विशिष्ट परावर्तन, प्रत्येक स्थिति में अपने औचित्य का उत्तर का औचित्य देना है, परावर्तन बताना आपका विशिष्ट होगा या नियमित होगा। पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज से, चौक के पाउडर से, गत्ते के ब्रश से, संगमरमर के फर्श पर फैले हुए जल से, जब एक प्रकाश आपतित किरण होगी तो उससे परावर्तन नियमित होगा या विशिष्ट होगा। पहले तो नियमित परावर्तन और विशिष्ट परावर्तन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नियमित परावर्तन जो होता है हमेशा समतल पृष्ठ पर होता है, चिकने पृष्ठ पर होता है, और विशिष्ट परावर्तन हमेशा खुरदरे पृष्ठ के ऊपर होता है। तो ये दोनों आपको इसके आधार पर उत्तर लिखना है। सबसे पहले देखेंगे पॉलिश युक्त लकड़ी का मेज, नियमित परावर्तन होगा क्योंकि लकड़ी के मेज के ऊपर जो पॉलिश हो रखी है, तो पॉलिश वाले पे हमेशा समतल होगा तो वो आपके नियमित परावर्तन होगा। चौक का पाउडर विशिष्ट परावर्तन होगा क्योंकि चौक का पाउडर का जो रुक्ष पृष्ठ उसका खुरदरा पृष्ठ प्रदान करता है। गत्ते का पृष्ठ विशिष्ट परावर्तन होगा क्योंकि गत्ता जो होता है वो खुरदरा पृष्ठ के रूप में होता है। संगमरमर के फर्श पर जो फैला जल ये नियमित परावर्तन करेगा क्योंकि जल से समतल तल बनता है, ये चिकना पृष्ठ हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके कि जेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं, तो जेब्रा क्रॉसिंग और इसको लगाना क्यों आवश्यक है। फिर आपके दूसरा प्रश्न आएगा इसमें, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण 90 डिग्री से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान आपको ज्ञात करना है, और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के चार कर्तव्य आपको बताने। तो इसमें आप लिखेंगे जेब्रा क्रॉसिंग में कि सड़क पर बनी जो सफ़ेद और काली पीली जो धारी वाली पट्टियाँ होती हैं उनको जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है, और ये चौराहे पर और तिराहे पर आसपास में इसलिए बनाई जाती है ताकि पैदल यात्री इससे जो सुरक्षित रूप से सड़क को पार कर सके। तो आपको भी जब भी ये पार करनी हो, सड़क पार करनी हो, तो आपको जो जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है वो मान कितना है 90 डिग्री का।
तो कोण आई बराबर कोण आर है, तो परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो ये आई और आर दोनों एक जैसे ही है, या तो आई की जगह आर लिख लो या आर की जगह आई लिख लो। हम क्या करें इसमें, आर की जगह पे आई लिख रहे हैं, तो आर की जगह पे आई लिखेंगे तो ये आर आई और आई कितना हो जाएगा, टू आई हो जाएगा ये। तो आई का मान ज्ञात करने के लिए इस 90 में 2 का भाग दे देंगे, तो आई का मान कितना हो जाएगा आपके 45 डिग्री, आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा आपके 45 डिग्री हो जाएगा। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है, इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। फिर आपके आठवां प्रश्न इसका अथवा वाला है, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के चार कर्तव्य आपको बताने हैं। तो इसमें हम बताएंगे, एक तो शराब पीकर या नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, दूसरा है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, यातायात के जो चिन्ह होते हैं इनका पालन करना चाहिए। ये तीन इसमें प्रमुख रूप से हम इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके, ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन करना है, अम्ल वर्षा के कारण जो हो रहे हैं वो स्वच्छ भारत मिशन से क्या उद्देश्य है, या जल प्रदूषण को नियंत्रित करने की चार उपाय बताने, और अस्वस्थता किस प्रकार जो देश के लिए नुकसान का कारण बनती है, ये दोनों आपको जो बताना है। तो दोनों के उत्तर आप देख लें। देखो ताजमहल जो है उसकी सुंदरता संसार में जो अद्वितीय, मतलब विश्व के जो सात अजूबों में इसको स्थान मिला हुआ है, परंतु तेजी से बढ़ते हुए प्रदूषण ने विश्व की इस अमूल्य धरोहर को जो संकट में ला दिया है। तो ताजमहल के चारों ओर बड़े बड़े जो कारखाने हैं, रबड़ प्रक्रमण है, रबड़ के कारखाने या स्वचालित वाहन निर्वातक हैं, रसायन और विशेषकर मथुरा का जो मथुरा तेल परिष्करण उद्योग है, उससे जो प्रदूषित गैसों के साथ में जो वर्षा का जल मिलकर जो अम्ल वर्षा करते हैं, और यही अम्ल वर्षा है जो ताजमहल के संगमरमर को संसारण करने का कार्य कर रही है, और ये जो सफ़ेद संगमरमर है वो धीरे धीरे पीला कलर में बदल रहा है। इसको सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उद्योगों को CNG, LPG आदि स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने का आदेश दिया है। CNG का मतलब होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, और इनको उपयोग करने के लिए आदेश दिया है। और ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने का आदेश जारी किया है। दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से, तो भारत में खुले में शौच की जो प्रवृत्ति उसको पूर्ण रूप से समाप्त करना, और हाथों से मल सफाई की व्यवस्था को जड़ से समाप्त करना, ये स्वच्छ भारत मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा प्रश्न है कि आपको जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के चार उपाय बताने, और अस्वस्थता देश के लिए किस प्रकार नुकसान का कारण बनती है, ये दोनों समझाने। देखो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के पहला तो ये कि वाहित मल, जो घरेलू जो मल वगैरह होते हैं, इन सभी को, घरों से निकलने वाले अपमार्जक हैं, और जल को जो शहर के बाहर नदियों या तालाब में न गिराकर इनको नालियों के द्वारा जो बाहर ले जाकर आबादी से दूर गिराना चाहिए। दूसरा है कि कारखानों से निकलने वाले जहरीले अपशिष्ट पदार्थों और गर्म जल को जलाशयों में, नदियों में और समुद्र में नहीं गिराना चाहिए। कारखानों से जितना भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको उपचारित करके ही जो नदियों में गिराया जाना चाहिए। कीटनाशकों का जो उपयोग करते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए, उस समय खेत का जो जल है वो पीने वाले जलाशय से बहकर न जाए। फिर आपके दूसरा आता है कि जो अस्वस्थता वाला, तो पहला तो ये कि जो यदि नागरिक जो स्वस्थता के अभाव में जो अस्वस्थ हो जाता है, तो फिर जो उसके स्वास्थ्य पर जो लाभ के लिए सरकार को उस पर धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी, और वह धन देश के विकास कार्यों की जगह जो उस पर खर्च हो जाता है। दूसरा है कि अस्वस्थता के कारण जो अस्वस्थ हुआ व्यक्ति जब अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है, तो इससे जो देश के विकास में हानि पहुंचती है। तो ये प्रमुख आपके क्वेश्चन आंसर थे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। ये PDF आपको ऐप पर मिल जाएगी, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ताकि आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल सके। 8वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। पुराने पेपर आपने देखे होंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, नहीं देखे तो आपका लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।